ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे डंकी के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में नजर आए थे। उनके अलावा इस फिल्म में तापसी पन्नू, विकी कौशल, भुवन ईरानी, विक्रम कुचर, अनिल ग्रोवर और ज्योति सुभाष भी नजर आए थे। इनको राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी के साथ में पहली फिल्म है। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 4200 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरसीज में लगभग 2000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 6200 स्क्रीन के साथ 21 दिसंबर 2023 में रिलीज किया गया था। वहीं बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 29 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 103 करोड़ 87 लाख का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 153 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 219 करोड़ का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था तो 261 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 461 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 128 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई थी। ये फिल्म शाहरुख खान की पांचवी फिल्म थी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था। इससे पहले उनकी चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, पठान और जवान ने भी 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.3 रेटिंग मिले। दोस्तों ये फिल्म प्रभास की सलार के साथ क्लैश हुई थी, वरना ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में ही 300 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन तो कर ही लेती। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।